ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक और नई ताज़ा वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह वीडियो आप सभी कन्या राशि के लोगों के जातकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में दो बड़ी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो कि बहुत आवश्यक होने वाली हैं। आने वाले चार दिनों के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि 27, 28, 29 और 30 अप्रैल का समय कैसा होगा, जो कि आप लोगों के जीवन में बहुत ही आपके जीवन में खुशखबरी भी प्राप्त होने वाली है आपको, परंतु आपको समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा। समय के साथ आपके दैनिक दिनचर्या में लाभ की प्राप्ति होंगी, जमीन जायदाद लेने का मौका मिलेगा, घर बनाने का मौका मिलेगा, आपको वाहन कार्य इत्यादि अपने शान शौकत में बढ़ोतरी करने के मौके आपको प्राप्त होने वाले हैं। आपको बताएंगे आपका लकी नंबर, लकी कलर कौन सा रहने वाला है, कौन सा कार्य के क्षेत्र में लाभ हो सकते हैं, कौन से महत्वपूर्ण सावधानी आपको बरतनी हो सकती है, आपको जीवन में बताएंगे संपूर्ण बातें विस्तार से। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर दें। तो दोस्तों, आपकी चंद्र राशि के अनुसार बृहस्पति और राहु 11वें भाव में मौजूद हैं, इसलिए इस दौरान आपके नियमित व्यायाम ही आप सभी को दुरुस्त रखने में आपकी अहम भूमिका निभा सकता है। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में कई अच्छे परिवर्तन होने आने के पूरे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। खास तौर से उन लोगों के लिए समय विशेष अच्छा होने वाला है जिन्हें मोटापे की समस्या है, क्योंकि आप लोगों को इस दौरान अपनी कुछ परेशानियों से हमेशा के लिए निजात मिल सकेंगी। इस दौरान व्यापारियों को धन से जुड़ा हर एक फैसला को करते समय बहुत ही सोच समझ कर और आज के दिन चलने की जरूरत होने वाली है, क्योंकि उस इन शब्दों से आपको धन के लाभ की उम्मीदें थी, वह एक छोटी सी लापरवाही आपको हानि तक पहुंचा सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। लेन देन के समय हर एक दस्तावेज को धैर्य पूर्वक पढ़ें। इस राशि में इस अवधि में अपने घरेलू कार्यों के साथ साथ कई सामाजिक कार्य भी आप बढ़ चढ़ कर भाग ले सकते हैं। परिवारजनों के साथ किसी यात्रा तीर्थ यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। आपके आत्मविश्लेषण करने का अवसर मिल सकता है। आप सभी के पंडोती के लिहाज से आपको कई बड़े अवसर देने वाला है, हालांकि एक अवसर को सही सोच विचार करके ही उनसे लाभ उठाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि संभव हो चुका है कि आप भावनाओं में बहकर उतना मुनाफा न अर्जित कर सकें जितना कि आप उसके हकदार हैं। इसलिए आपकी चंद्र राशि में बुधवार भाव में मौजूद होने वाले हैं। आपके शिक्षा राशि फल के अनुसार यह शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि वाले लोगों के लिए सामान्य अवसरों से भरा हो सकता है। खासतौर से वह छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय अतिरिक्त मेहनत करने वाला होगा, जिनसे बाद वह अनुकूल फल को प्राप्त करने में सफल होंगे। किसी भी कारणवश खुद को शिक्षाओं से भटकाए नहीं और आज के दिन क्योंकि खाली समय में पुस्तक को पढ़ते रहें। आपके साथी सुदृढ़ जीवन में चला रहा हर प्रकार के तनाव दूर होगा। रोजाना आपको 108 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने से आपके सारे कष्ट दूर अवश्य होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन पर होंगी। आपके चंद्र राशि में शुक्र आपके 12वें भाव में मौजूद होने वाले हैं। आपके इसके कारण इस दौरान व्यापार प्यार में उम्मीद से कम अच्छे परिणाम मिल जाने से मन में कुछ निराशा का भाव उत्पन्न होने की शंका भी हो सकती है, परंतु अच्छी बात यह है कि अगर आप इस दौरान विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारते तो यह समय के अंतिम भाग तक आप अपने प्रेमी से स्नेह सहयोग रोमांच की प्राप्ति करने में सफल होंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ अपने किसी भी सुंदर यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि हर विवाद को जीवन में हल करने के लिए आप दोनों को अपने अहंकार को त्यागने की इस दौरान सबसे अधिक जरूरत होने वाली है। जीवन में काफ़ी बड़े बदलाव होने के साथ बहुत सारे परिणाम को प्राप्त करना होगा। आज आप ऊर्जाओं से लबरेज होंगे। अब जो भी कार्य करेंगे उसे आप जो हैं उसे आधे वक्त में ही कर लेंगे। जितना वक्त आप अक्सर लेते हैं, अक्सर आप घर के किसी भी बाहर जाकर जॉब या पढ़ाई करते हैं तो ऐसे लोगों से दूर हैं जो कि आपका धन और समय बर्बाद करते हैं। आपको अपने बाकी वक्त बच्चों के संग गुजारना चाहिए। साइंस के लिए आपको कुछ खास क्यों ना करना पड़े, जिंदगी में एक नया मोड आने वाला है। प्यार और रोमांस में एक नई दिशा प्रदान करने वाला है।